नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर किसानों ने आंदोलन और तेज कर दिया है। इसे लेकर किसान देश भर में टोल फ्री कराने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, जिसके चलते किसानों ने दिल्ली जयपुर और आगरा हाईवे को भी जाम किया। सरकार से बातचीत को लेकर किसानों ने कहा है कि सरकार से बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, न्योता आएगा तो वो बात जरूर करेंगे। किसानों के हंगामे को देखते हुए सरकार ने दिल्ली हरियाणा के 5 टोल प्लाजा पर 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इसमें बदरपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कौंडली, गाजियाबाद, पलवल, पाली क्रशर जोन और धौजा टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि आंदोलन में शामिल होने के बाद पंजाब से 50,000 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े ये किसान अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, जलंधर, कपूरथला और मोगा जिले से आ रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन में अब तक करीब 1 दर्जन किसानों की मौत हो चुकी है। किसी की जान पेट या सीने में दर्द होने की वजह से गई तो किसी की सड़क हादसे की वजह से। वहीं सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठे किसान लगातार बीमार पड़ रहे हैं। रोजाना देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते संक्रमितों की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके हिसाब से भारत भी दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। वहीं कोरोना के एक्टिव मामलों में दुनिया में भारत का 9वां स्थान है, और अगर बात रिकवरी रेट की जाए तो रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही हो रही है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर 3रा है। भारत में नए मरीजों के ज्यादा ठीक होने की वजह से एक्टिव मामलों में लगातार कमी आ रही है। अब 3,66,749 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना के संक्रमण में अब तक 1,42,186 संक्रमितों की जान जा चुकी है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने शुक्रवार को ब्रिटेन की अदालत में आवेदन दिया। माल्या ने अपने रहन सहन के खर्च और कानूनी फीस के लिए कानूनी प्रक्रिया में फंसे कई लाख पाउंड की राशि से कुछ धन निकालने की छूट के लिए आवेदन दिया। जहां अदालत के पास विजय माल्या की करीब 15 लाख पाउंड की राशि जमा है, वहीं अदालत ने अगले सप्ताह शुक्रवार को दिवाला मामले में होने वाले विस्तृत सुनवाई के खर्चे के लिए माल्या को 2,40,000 पाउंड जमा वैट राशि जारी करने की अनुमति दी है। माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने अदालत से कहा कि उनके मुक्किल को धनराशि की आवश्यकता है, उसे अदालत के पास जमा धनराशि में कुछ राशि मिलनी चाहिए ताकि वह अपने रोजमर्रा के खर्चे और कानूनी खर्च का वहन कर सके। देश में अचानक मौसम ने करवट ली है, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी और दिल्ली समेत कई राज्यों में हल्की बारिश हुई है। 12 दिसंबर को पहले दिनों की अपेक्षा दिल्ली समेत कई राज्यों में काफी बदलाव देखने को मिले। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में हल्की बारिश दर्ज की गई। हिमालय के क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली और पड़ोसी शहरों में 11-12 दिसंबर को हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो रही है। भारत में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पिछले काफी दिनों में दिल्ली की हवा काफी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, ऐसे में हल्की बारिश से दिल्ली वालों को प्रदूषण से भी राहत मिल सकती है। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली NCR में आज सुबह हुई हल्की बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते भी मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। इसके साथ ही किसानों का आंदोलन भी दिल्ली में चल रहा है, जिसमें किसानों ने आज दिल्ली और जयपुर हाईवे पर चक्का जाम की बात कही थी। तापमान में आई गिरावट के बाद किसान आंदोलन पर इसका क्या असर पड़ता है, ये देखना भी लाजमी रहेगा। कैमरामैन सरताज के साथ मैं काविंद्र चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए नोएडा से। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।